बहुत बनते हैं, है ना, शुक्राणु नहीं, जो महिला के गर्भ में अंडे बनते हैं, मैं साधारण भाषा में बोल रहा हूँ, उसकी कितनी संख्या होगी उससे निर्धारित होता है, क्या उसकी क्वालिटी होगी उससे उस बच्चे का स्वास्थ्य निर्धारित होगा। तो आपको शायद नहीं पता होगा कि जब एक बेटी अपनी माँ के गर्भ में होती है तो ये उस गर्भ के अंदर ही ये जो अंडे हैं इतने सूक्ष्म रूप में पहले ही बन जाते हैं। मतलब आप आधे अपनी माँ के पेट में, जब आपकी माँ अपनी माँ के गर्भ में थी तभी बन गए थे, लेकिन जैसे जैसे वो आयु बढ़ती है तो वो सूक्ष्म रूप से धीरे धीरे बड़े होके उसका निर्धारित होता है कि कितने अंडे जीवन भर में रिलीज करेगी, बट उतनी उसकी प्रजनन क्षमता अच्छी होगी और उन अंडों की क्वालिटी जो है वो अच्छी होगी। मतलब क्या है कि जब उस बेटी की माँ है, अब उसकी माँ जब अपनी माँ के गर्भ में थी तो उसकी नानी के खान पान, उसकी नानी का चरित्र, उसकी नानी का आचरण, हर चीज से निर्धारित हो गया था कि बेटी के जो अंडे हैं उसकी क्या गुणवत्ता होगी। सही है। तो मतलब क्या हुआ कि यदि माँ नानी को कोई बीमारी हुई हो जो आगे चल के उसमें पास ऑन हो गई तो वो उस बेटी को भी होगी, उसकी बेटी को भी होगी, मानते उसका आचरण में यदि ऐसा है, मान लीजिए मांसाहार करती होगी या उसके कोई मान लीजिए कोई टीबी की बीमारी है, मान लीजिए ऐसी कोई बीमारी, शास्त्र भी कहता है कि किसी को टीबी की बीमारी है तो उस घर में देखभाल का रिश्ता करना चाहिए, ये तक कहा गया है। तो ये सब देखने के बाद ही देखें कि आगे आने वाली संतान, क्योंकि उसने उसको धारण करना है, उसकी क्वालिटी के लिए निर्धारित करते थे कि नानका कैसा है इसका। तो इतना गहरा विज्ञान यदि सोच के रखा हुआ था, लेकिन आज क्या बना दिया, हम महिलाओं को नानका क्यों चेक करना है आपको, अपने आपके बेटे का दादा की दादा भी चेक करो, ये गलत काम हो गया बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या मानना है कि कम से कम आपके शरीर को ठीक रखना, उसको स्वस्थ रखना, सही खाना पीना, आगे आने वाली संतान में पास ऑन करने की जिम्मेदारी आपकी। मुझे मेरे 1804 में जो मेरे परदादा हुए थे, मुझे मैं उनका नाम तक पता करके आया कि मुझे पता तो हो मेरा जड़ कहाँ से निकली। उन लोगों ने, मैं कहता हूँ यदि मैं अपना उदाहरण लूँ, 1804 में मेरे जो दादाजी परदादा थे उन्होंने अपने आप को स्वस्थ रखकर खूब शरीर को बढ़िया रख के आगे आने वाली पीढ़ी आई, फिर उनको अगली आई, तो मैं आज स्वस्थ बैठा हूँ आपके सामने। यदि आज से 2000 साल पहले भी मान लीजिए हमारे पूर्वज आज जैसी दिनचर्या शुरू कर देते जिसमें उनके जीवन में क्या होता, ये मांसाहार, पेप्सी, कोको कोला मान लीजिए आ जाता, तो आपको लगता है हम आज ऐसे जिस रूप में बैठे हुए हैं, आज 80 वर्ष की उम्र बाबूजी इतने गोलंदाबाद से बात कर रहे हैं, बाबूजी गोलंदाबाद से बात कर रहे हैं, मेरे पिताजी बैठे हैं, इस उम्र के लोग ऐसे हो पाते नहीं। आज 20-20 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है, सऊदी अरब के सुल्तान के बेटे तक को 32 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो गया। तो पैसा आपको बीमारी से नहीं बचा सकता। तो मैं जो कहना चाहता हूँ ये कि अभी मैंने हमारे बच्चों के मन में, हम लोग बच्चों के लिए विशेष रूप से काम करते हैं, कि हमारे जो हम माता पिता है ना, हमारे बच्चों के प्रति हमारे अंदर मोह हो गया, मोह, हम ममता नहीं रखते, मोह पैदा कर दिया, धृतराष्ट्र वाला मोह, वो अंडा मोह। और शास्त्र एक बात के हमेशा याद ध्यान रखिएगा कि मैंने हमारे कृष्णायन में हरिद्वार में एक 3500 गायों की गौशाला है, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। एक बार गुरुदेव से मैंने ऐसे पूछा कि पिता की आज्ञा की अवहेलना कई बार हमें करनी पड़ जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि जो वो कह रहे हैं वो सही नहीं है, तो क्या ये सही है? अगर हम श्री राम का चरित्र पढ़ें तो उसमें ये होता है कि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा के कारण, वचन के पालन के कारण 14 वर्ष का वनवास भी दे दिया, ले लिया उन्होंने। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही कि देखो, यदि पिता शराबी है, व्यसनी है बहुत ज़्यादा, अति रोगी है या मोहग्रसित है, ऐसे पिता की आज्ञा की अवहेलना पुत्र कर सकता है। उसका उदाहरण क्या दिया उन्होंने, उदाहरण क्या दिया उन्होंने कि दशरथ के मुंह से कभी भी ये नहीं निकला कि जा मैंने तुझे 14 वर्ष का वनवास दिया, कभी उन्होंने अपने मुंह से नहीं कहा। केके ने वचन मांगा और बात ही फैली, और उन्होंने कभी नहीं कहा बेटा तू जा, उन्होंने कहा बेटा तुझे वनवास में रहना है, मैं तुझे अयोध्या के पास में वन में कुटिया बना के छोड़ दूंगा, तू वन में 14 वर्ष वहां रह ले, लेकिन जा मत। लेकिन श्री राम ने, जहाँ एक तरफ हम कहते हैं कि श्री राम ने अपने पिता की वचन के कारण वनवास ले लिया, वही वो पिता जब आज्ञा दे रहा है कि तू वन में मत जा तो अवहेलना भी कर रहा है ना, अवहेलना तो हुई, लेकिन वो इसलिए अवहेलना की क्योंकि वो उस समय वो पिता मोहग्रसित होकर बात कर रहा है। मोहग्रसित पिता की आज्ञा के अवहेलना पुत्र कर सकता है। तो आप ये ध्यान रखिए हमेशा एक बात का कि आपके परिवार में आपके पोता पोती या आपके बच्चा कोई भी, अगर मोहग्रसित दादा दादी आपके बच्चे को कुछ भी गलत खिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं
तो आप उनके साथ लड़ भिड़ बैठो तो भी कोई नुकसान नहीं है, वो आगे की अवहेलना नहीं है, क्योंकि आपके बच्चों के लिए वो हित चाह रहे हैं, आपके बच्चों का अपने पोता पोते का हित चाहते हैं कि मेरा पोता कुछ खा ले, उनकी भावना गलत नहीं है, लेकिन उनको तरीका नहीं पता करना क्या है। मेरे पिता यहाँ बैठे हैं, मैं उनके मेरी जो बेटी हुई उसको वो कुछ ना कुछ बाहर का खिलाने के लिए रहते थे शुरुआत में, लेकिन जब मैंने खूब समझाया तो समझ गए और उनको भी समझ में आ गया, ऐसी बात नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि आपके बच्चों का स्वास्थ्य क्या होगा ये निर्धारित आप करेंगे, क्योंकि उन बच्चों में जब विवेक आएगा तो वे कहेंगे आप में तो विवेक था, हम में नहीं था, तो आपने क्यों नहीं रोका हमको गलत खाने से। तिरानवे तिरपन स्विफ्ट गाड़ी किसकी है? तिरानवे तिरपन आप करो फिर बात करें। आज आप बचपन से किस संस्कृत के स्कूल में पढ़ा होगा या बचपन से मेरा पालन पोषण ऐसा हुआ होगा कि मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। 2011 तक मैं जितना अंग्रेजित में ढाला हुआ व्यक्ति हो सकता था उतना अंग्रेजित वाला व्यक्ति था। अमेरिकन कंपनी में या फोन कोऑपरेटिव में मैं काम करता था और पूरा अंग्रेजित वाला लाइफ स्टाइल था, 100 किलो वजन था, सांस की 27 साल की उम्र में मुझे सांस की बीमारी वगैरह और भी कई परेशानियाँ होनी शुरू हो गई थी। तो मुझे ये पता लगा कि भारतीयता में ढले बिना जो है अपने आने वाली पीढ़ी को मैं क्या पैदा करूँगा, जब मैं खुद को ही अपना वजन नहीं ढो सकता तो अपने बच्चों का वजन क्या सहूँगा। तो मैंने इसलिए निर्धारित किया कि राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद कि मैंने अपने जीवन को खुद तो स्वस्थ होना है, अपने बच्चों को स्वस्थ करना है, लेकिन और जो दुनिया में बच्चे उनको भी करना है। तो उसके लिए हमने ये प्रयास किया कि हम लोग बच्चों के लिए जो काम कर रहे हैं, एक मुख्य रूप से आज जो एक बात सामने आई है, जो मैं एक ही बात का एक ही विषय पर अच्छे से जोर दे के बात की जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, कि जो आज हमारे बच्चे जो हैं ये जिम की लाइन में पड़ गए अपने शरीर को। देखिए आज यहाँ पर बच्चों ने योग किया, मैं व्यक्तिगत रूप से कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरी बच्ची योग सीखने के बाद अपना एक एग्जीबिशन के रूप में वो कहीं करे, लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य ये है कि इस तरह से योग का प्रदर्शन करके लोगों को प्रेरित करना पड़ रहा है, क्योंकि समाज ऐसा हो गया है कि उसके लिए प्राथमिकताएं बदल गई हैं। तो इन बच्चियों ने योग किया, तो मैं एक बच्ची यहाँ बैठी हुई थी तो जो योग नहीं करती थी, लेकिन उन बच्चों को देख कर उस बच्ची के चेहरे पर जो भाव थे उसके मन में ये हो रहा होगा कि मैं भी ऐसा करूँगी। तो मुझे लगता है कि ये जो बच्चों ने प्रदर्शन किया, ये प्रदर्शन इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को प्रेरणा मिले। हम भी अपने पोता पोती बेटा बेटी को योग की तरफ भेजना जरूर चाहेंगे, भले प्रदर्शन के लिए कहीं लेकर ना भेजे। मेरी बेटी नृत्य सीखती है, कथकली सीखती है, कोई भी कॉम्पिटिशन में यदि उसके इंस्टीट्यूट वाले लेके जाना चाहते मैं मना कर देता हूँ। मैं मेरी बेटी कभी किसी कॉम्पिटिशन में नहीं जाएगी, क्योंकि नृत्य उसकी व्यक्तिगत प्रतिभा डेवलप करने के लिए मैं सिखा रहा हूँ, उसको कहीं जाके एग्जीबिशन में करने के लिए नहीं सिखा रहा, प्रदर्शन के लिए नहीं सिखा रहा। तो आप ध्यान रखिए कि जो हमारे बच्चे हैं आज जो सीख रहे हैं वो कहाँ से सीख रहे हैं, फिल्मों से। अगर आपने दंगल फिल्म देखी होगी, दंगल फिल्म में क्या हुआ कि आपके बच्चों ने दंगल फिल्म देखी, दंगल का अर्थ क्या होता है, कुश्ती। अब बच्चों ने दंगल फिल्म देखी लेकिन उन्होंने कुश्ती नहीं सीखा, चिकन खाना सीख लिया हुआ ये, क्योंकि उसमें चिकन खाने का, लेकिन उन्होंने दंगल नहीं सिखाना था, उन्होंने ये सिखाना था कि आप अच्छा दंगल आपके बच्चा बेटा बेटी तभी करेगा जब आप चिकन खाओगे। और वास्तविकता में जो महावीर जो फोगाट था उन्होंने जो है कभी भी अपने बच्चों को नहीं खिलाया होगा, मुझे इतना पता है, क्योंकि बच्चे जो है वो हनुमान के पहलवानी जो होती है वो हनुमान जी की मूर्ति से होती है, उनके पैर छू के होती है, और वो पैर छुआ व्यक्ति चिकन खा के और अंडा खा के यदि अपने आप को नहीं कर सकता। अब वो कह रहा है कि ये जो पूरा षड्यंत्र चल रहा है, अभी 2 दिन पहले मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, इसमें अभी हम धीरे धीरे इसको प्रेजेंट करेंगे, कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का नाम सुना है किसी ने, एक फिल्म डायरेक्टर है जिसका नाम है जेम्स कैमरॉन, जिसने टाइटैनिक फिल्म बनाई, जिसने अवतार फिल्म बनाई, उसने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है कि दुनिया में ये जो बॉडी बिल्डिंग का क्रेज शुरू हुआ ये आर्नोल्ड के कारण शुरू हुआ। मुझे चाहिए पानी। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के कारण शुरू हुआ, पता आपको इस बात का, पंपिंग आयरन। कोई भी किसी भी जिम में जाके देखना, आप किसी भी जिम में जाके देखेंगे तो हनुमान जी की और दारा सिंह की फोटो के साथ आर्नोल्ड की फोटो चिपकी होती है, और वो जो जिम में जाने वाला व्यक्ति है वो पहले हनुमान जी की चरण छुएगा, फिर दारा सिंह के चरण छुएगा, फिर आर्नोल्ड के पैर छुएगा, तब वो जिम में अपनी शुरू करता है। देखा कभी आपने, कभी जाके देखिएगा, मतलब क्या है कि उसको किसका दर्जा दिया हुआ है, दारा सिंह जैसा, हनुमान जैसा दर्जा पैर छू के जा रहा है। मतलब क्या हुआ
और नोल्ड के कारण इस देश में लोगों ने बॉडी बिल्डिंग शुरू की, उसके बाद उसको बढ़ाया किन्होंने, सलमान खान, इन सब ने बढ़ाया फिल्मों ने। लेकिन आज एक बात बहुत बड़ी झूठी साबित हो गई कि आज जिन बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि प्रोटीन के नाम पर यदि अच्छा शरीर बनाना है आपको तो मांसाहार करना ही पड़ेगा, उस डॉक्यूमेंट्री में ये सारी की सारी बातें क्या दे कि हमको जब से अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर तक ये बात बोली और जितने भी दुनिया के टॉप के खिलाड़ी हैं और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी जिसने 555 किलो वजन उठाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड है गिनीज बुक का, 555 किलो समझते हैं, 555 किलो वजन उठाया, वो व्यक्ति कह रहा है कि जब से मैंने प्लांट डाइट मतलब शाकाहारी जीवन शुरू किया है तब से मेरी क्षमता जो है वो कई गुना बढ़ गई है, जब तक मैं मांसाहार कर रहा था तब तक मेरी क्षमता इतनी नहीं बढ़ी थी। ये कई साइकिल चलाने वाले एथलीट भी बात कर रहे हैं, ये अर्नोल्ड भी बात कर रहा है कि जब तक मैंने मांसाहार किया तब तक ऐसा था, जब से शाकाहार हुआ है तब से मेरा पूरा जो जीवन में इतना कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम नहीं रहा जितना अब है मेरा। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे आज के जीवन में आप लोग क्या कर रहे हैं, कई लोगों ने दंगल फिल्म देखने के बाद, हमारे पड़ोस में बढ़िया परिवार रहता था, बनियों में क्या होता है वो नहीं खाया जाता, अंडा मांस नहीं खाया जाता, आजकल भले खा रहे होंगे लेकिन एक्चुअल में नहीं खाया जाता, उनके परिवार में कभी भी अंडा वंडा नहीं आया, लेकिन वो फिल्म देखने के बाद अपने पोते को वो रोज़ एक अंडा खिलाना शुरू हो गया, क्या कह के, अरे बच्चे मेरा बेटा पोता कहता है प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, क्योंकि उसने फिल्म देख के भगवान। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज फिल्म के द्वारा, नाटकों के द्वारा, मैगजीन अखबार के द्वारा कोई भी, मैं तो उदाहरण दिया है आपको मांसाहार का, कोई भी षड्यंत्र जिसके कारण आपकी पुरानी चीज़ों को छोड़कर आपकी कोई नई फैशन को अपनाने का यदि प्रयत्न हो रहा है, होता है ना ऐसा, तो उस फैशन को बंद कर दीजिए, नहीं करना है। क्यों, वो कुछ 10-20 साल बाद कहेगा कि फिर माफ़ी मांग लेंगे जी हमसे गलती हो गई, जैसे आज अर्नोल्ड माफ़ी मांग रहे हैं ना कि मैं जब खुद बॉडी बिल्डर था तब तो मैं खूब कहता था मीट खाओ, ये खाओ, वो खाओ, इसी से बॉडी, एक फिल्म में बकायदा ऐसा उसने डायलॉग भी मारा कि किसी ने उसका एक मुक्का मारा अर्नोल्ड को, तो पता क्या बोलता है, अरे तू तो शाकाहारी की तरह मारता है, टोट मारते हुए, यू हिट लाइक ए वेजिटेरियन, आज वही कहता है कि आई वाज रॉन्ग, मैं गलत था। तो मैं आपको चाहता हूँ कि आप कहीं भी जाएं इस बात का प्रचार करें कि कोई भी चीज़ फिल्मों के द्वारा, चाहे कपड़ों का फैशन हो, जैसे फटी हुई जींस आ गई ना आजकल, फटी हुई जींस हो, कोई भी फैशन अगर आपका बच्चा अपना रहा है उसके दो कान पे मारने का, दो कान पे मारने, इसलिए मैंने शुरू में कहा था छेतने की कला भूल गए हम लोग, मैंने उद्योग की जिद, आपका बच्चा यदि जिद करता है मैं फटे हुए कपड़े पहनूंगा, पहले दिन कान पे मार दीजिए, आपका बच्चा कहता है कि मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी बनना चाहूँगा, क्या करना चाहूँगा, मैं अभी हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन चलाने वाले हैं जिसमें हमने ये निर्धारित किया है कि बच्चों की शादी 22-23 साल की उम्र तक कर दीजिए, नहीं तो परिवार आगे टूटने से नहीं बचा सकते। हमने बकायदा एक चीज़ शुरू कर रहे हैं कि राजीव दीक्षित के विचारों वाले जो परिवार हैं, उन परिवारों के जो बच्चे हैं, उन बच्चों की आगे, क्योंकि गोत्र व्यवस्था देखने के बाद उन बच्चों की आपस में शादी करवाई जाए, नहीं तो क्या होगा, राजीव भाई की विचारधारा, लोकमान्य जी का मान लीजिए पोता हुआ, अब लोकमान्य जी घर में आप जो खाना खिला रहे, खड़ा खाना तो नहीं खिलाया ना इन्होंने, बैठ के खिलाया आराम से, अब इस तरह का कोई परिवार किसी मॉडर्न परिवार में भेज जाओ, कहेंगे क्या देहाती हो क्यों घर में शादी कर दी हमने, वो कहेंगे राजीव भाई के विचारों से ओतप्रोत हैं, तो आगे ये परंपराएं बढ़ती रहें, क्योंकि आज बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि हमारे आइडेंटिटीज खत्म करने में लगे हुए सब लोग। अभी एक बहुत बड़े, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बहुत ज्ञाता जिन्होंने कई बड़े बड़े पूरी दुनिया में पत्रकारिता में नाम है उनका, उनके साथ हमारे एक व्याख्यान एक किसी का उसमें आए थे कार्यक्रम में, वो तो अंत में उन्होंने एक बात ऐसी बोली जिसपे मेरी उनसे बहस हो गई, मैंने उनको ये पूछा, उन्होंने ये कहा कि जाति व्यवस्था जो है, उनका नाम इस प्रकार से था कि उनके गोत्र का पता नहीं लगता था, अब गोत्र को जाति से जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो मैंने कहा गोत्र व्यवस्था का आप क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि अपने सब पीछे के नाम हटा दो, सरनेम अपने ड्रॉप कर दो, सब लोग खत्म कर दो, जिसे पता ही ना चले कि क्या है, मैंने कहा अच्छा आपने ये तो एड्रेस अच्छा किया जाति प्रथा के ऊपर, लेकिन गोत्र व्यवस्था का क्या होगा, क्योंकि गोत्र व्यवस्था जो है वो पूरी साइंटिफिक उसके ऊपर आधारित थी, हमारी आइडेंटिटी खत्म हो गई थी, क्योंकि यदि आपने देखा होगा कि कई पहले समुद्र यात्रा करने की मनाही थी, विदेशों में जाने की बड़े मनाही थी, कहते पाप लगेगा, क्यों, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जब आप किसी विदेश में जाओगे तो वहाँ पे किसी महिला या पुरुष से आपने शादी कर ली
तो आपकी जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि क्या गोत्र लोग हैं। जैसे मैं भारत का उदाहरण दूं आपको, नाइजीरिया के कई लोग भारत में बस गए हैं, दिल्ली में देखा होगा ना, हफ्शी बोलते हैं जिनको, काले काले सब लोग, ये वो लोग हैं जो नशा भी कराते हैं, कई सारे फ्रॉड भी चलाते हैं, सब है, लेकिन वो सब कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमारे देश की अब इनकी एक पीढ़ी भारत में बस गई, दूसरी पीढ़ी भारत में बसेगी, फिर तीसरी बसेगी, तो हमारे देश के बेटा बेटियां इनसे प्रभावित होंगे कि कोई संगीत में अच्छा है, कोई किसी काम में अच्छा है, शादी करेंगे। अब शादी करने के बाद मैं यदि मान लीजिए मेरा कोई अमुक गोत्र है, अब वो जो नाइजीरिया शादी करेगी वो लड़की, उसका क्या गोत्र होगा उनके बच्चों का? आइडेंटिटी खत्म हो गई। जिस आइडेंटिटी को, आइडेंटिटी क्या है कि आपके एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, मैं थोड़ी साइंटिफिक भाषा में बात कर रहा हूँ, आपके जो कई बार कहते हैं कि पिता का नाम क्यों मिलता है बच्चों को, माँ का नाम क्यों नहीं मिलता, ये पिता का नाम और कुछ नहीं है, ये हमारे गोत्र, जैसे मान लीजिए मेरा कश्यप गोत्र है, गोत्र हमारे ऋषि मुनियों के नाम से होते हैं, तो उस कश्यप ऋषि की हम संतानें हैं सबके सब, तो वो गोत्र की पहचान वो किस में होती है? एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, किस में? पिता के अंदर, और माँ में क्या होता है? एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है। ये जो वाई क्रोमोसोम है ना, वाई, ये वाई पहचान है उस कश्यप गोत्र की, जो पिता में होता है, तो वो पिता में होने के कारण जब बेटा या बेटी हो गए तो क्या होगा? गुण उसमें आएंगे, क्योंकि बेटी में एक्स क्रोमोसोम रहता है, तो पुत्र में ही एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, तो वाई क्रोमोसोम उसकी पहचान है, तो बेटे को, बेटे का नाम उस आगे आने वाली पीढ़ी को मिलता है। अब ये गोत्र व्यवस्था बहुत सादी भाषा में समझाई, बहुत गहरी है वैसे, ये गोत्र व्यवस्था बचाने के लिए पूरा ये जो खाप पंचायत वगैरह सब जो है ये है, तो ये आइडेंटिटी खत्म नहीं करनी है, ये गुण खत्म नहीं करने हैं, तभी आपकी आने वाली पीढ़ी बच पाएगी, नहीं तो नहीं बच पाएगी। इसी बात का एक सेकंड, इसी बात का प्रमाण है कि जब उनके कथन अनुसार जब हमारी संस्कृति को अपनाते थे, हर लिहाज से हम सुखी थे, उन्नत थे, विश्व में सर्वश्रेष्ठ थे। धन्यवाद, ये अब आगे चलेंगे, आपके बात समर्थन किया मैंने। जी जी जी, धन्यवाद। तो आप जो है इस बात का हमेशा, मेरी मेरी सारी बात का, मैं बहुत आयुर्वेदिक निष्को के लिए बाबूजी बैठे हैं, मैं भी इनसे सीखना चाहूँगा, लेकिन जो मूल बात है वो ये कि हम अपने घर में जाकर इनकी बात का पालन करेंगे या नहीं करेंगे, वो प्रेरित हमें क्या करेगा? क्या ये बीमारियों से डराएंगे तो करेगा? नहीं। जिस दिन आपको ये लगने लगेगा कि मैंने यदि अपने बच्चों के साथ ये नहीं किया, यदि मेरे बच्चे को मैंने इनका कहे अनुसार नहीं जीवन जिलाया, तो मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा, लेकिन उस बच्चे को सही जीवन जिलाने के लिए आपको खुद भी तो सही बनना पड़ेगा ना। अब आप बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, अब अपने बच्चा कहेगा 15 साल का हो गया, 16 साल का हो गया, बेटा को आपने सिगरेट पीते पकड़ लिया, आप उसको मना करने का अधिकारी हो क्या? खुद पीते हो तो हो क्या अधिकारी? नहीं हो। पहले आपको खुद छोड़नी पड़ेगी, तब आप उसको मना करने का अधिकारी हो। आप ये नहीं कह सकते बेटा मेरी तो आदत बन गई है, तू मत पियो, तो ठीक है मेरी भी बन जाएगी आदत, आपके पिताजी ने मना किया होगा। तो अपने माता पिता बच्चों को सही करने के लिए आपको बलिदान करना पड़ेगा, किसका? आपकी जीभ का, स्वाद का, अपने व्यसनों का, तब आपके बच्चे सुधरेंगे। नहीं तो आप जब तक आदर्श नहीं बनोगे ना, माता पिता पहले आदर्श होते हैं, तो आप सपने में भी ये मत सोचिएगा कि बाबूजी के बताए हुए नुस्खे आप अपने बच्चों पर लागू करवा सकते हैं, कभी नहीं करा सकते। और ये आने वाली पीढ़ियों का ऋण यदि आपने नहीं उतारा, तो ये पितृ ऋण यदि नहीं उतारा आपने, अगर आपका जीवन में काट आपका, तो ये जो गांव की बातों को हम, मैंने बहुत बार देखा है, मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ लोगों, जब ये बोल रहे थे बहुत सारे लोगों को शायद जो इन्होंने बताया वो पता भी है। हाँ जी बात तो सही कह रहे हो, मेरे पिताजी भी कहते थे, मेरे दादा भी कहते थे, लेकिन मतलब हमको ऐसी जगहों पे आकर ही वो बातें क्यों याद आती हैं? घर जाकर हम जैसे शमशान घाट से जाकर हम मृत्यु को भूल जाते हैं, ऐसे यहाँ से गए तो इनके नुस्खों को भूल गए। इनको किताब देने की, ये देखे इतना सहज व्यक्ति है, ये कह रहे हैं, ये इनके एजेंट नहीं है, ये किताब बेचने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इनको संकोच लग रहा है कि लोगों को ये ना लगे कि मैं किताब बेचने निकला हूँ। नहीं, आपकी गलती नहीं है ना, बट ये इनकी सहजता है कि इनको किताब लिखनी पड़ी कि ये नुस्खे कम से कम किसी रूप में रह जाए। क्योंकि मैंने इन जैसे लोग बहुत कम देखे हैं, इतने धुरंधर ऐसे से देखे हैं जिन्होंने अपनी विद्या अपने साथ ऐसे ऐसी विद्याएं ले गए। मैं राजीव भाई का उदाहरण दूं, एक आगरा के ऐसे व्यक्ति थे, जब उन्होंने फोन किया, ये बोला कि मैं राजीव दीक्षित को कुछ बताना चाहता हूँ, तो राजीव भाई तब तक चले जा चुके थे। उन्होंने कहा मेरे पास ऐसी विद्या है, उनका अखबारों में छप चुका था, आगरा के बहुत बड़े विद्वान थे, बुजुर्ग थे, 85-90 ईयर्स के,
कर मैं एक ऐसी विद्या जानता हूँ कि मैं इस जमीन में कहाँ पानी है वो मैं मेरी दिव्य दृष्टि से बता सकता हूँ, मैं केवल राजीव दीक्षित को सिखाऊंगा। लेकिन वो बात है कब की, अप्रैल की, उन्होंने अपना फोन नंबर दिया, जिस साथी को दिया उसने नंबर गुम कर दिया, और हम फिर जुलाई में, मुझे आज भी याद है 16 जुलाई का दिन था, मैं वहां गया, आगरा गया ढूंढते हुए कि कहीं कोई मिल जाए, नाम इस तरह का नाम नहीं बता पाए थे वो। 25 जुलाई को नहीं, मुझे एक महीने बाद फोन आया कि 16 जुलाई को आगरा में, 25 जुलाई को उन व्यक्ति का देहांत हो गया। मतलब क्या हुआ, हाँ उनका देहांत हो गया। तो सोचिए, और मेरे सामने कई होम्योपैथी के ऐसे अद्भुत अद्भुत लोग जिनके पास इतना ज्ञान है कि होम्योपैथी की खुराक दें, मरते हुए व्यक्ति को जिंदा कर दें, लेकिन अपना ज्ञान किसी को दे नहीं सकते। 90 साल के हो गए, पता नहीं क्या लालच है। तो मैं कहता हूँ, नतमस्तक हूँ मैं ऐसे बाबू जी के कि इन्होंने इतनी किताब लिखकर अपने नुस्खे दे दिए। ऐसे बहुत कम लोग हैं, मैं आज यहाँ पर आया हूँ, इनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है, और आने वाली पीढ़ियों को ये जो अपना ज्ञान, अपना शरीर, अपना स्वास्थ्य, अपना ज्ञान, जो सौंपने की जो कला है जिस व्यक्ति के अंदर भी होती है, मैं उसको चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि आप सब लोग भी ये करिए, कम से कम अपने परिवार में। और हमारा जो ऑनलाइन आजकल क्या है कि हमारे पास सोशल मीडिया की बहुत बड़ी ताकत है, एक भी पर्चा छापे बिना आप पूरे देश में अपना विचार फैला सकते हो। ये ताकत शायद पहले की पीढ़ियों को नहीं मिली, हमारे पास है। इसके नुकसान भी है, फायदे भी। तो आप सब लोग जो भी कोई अच्छी चीज़ मिले, बिना ये सोचे कि इस व्यक्ति का प्रचार करने के कारण मेरा कोई नुकसान होगा, फायदा नहीं, राष्ट्र का भला जरूर होगा। हाँ, मैं भूल जाऊंगा, अभी आपने जो बोला ना जी, वो जरूर 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 जी जी व्हाट्सएप पर। तो बस यही मेरा कहना था, बहुत अच्छा लगा आप सब लोग आए और इस कार्यक्रम को सफल जरूर भेजने। आपका